रहमान रहीम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज एजुकेशन फोरम के चैनल से हाजिर खिदमत है। आज का टॉपिक जो है वो इंतहाई अहम टॉपिक है कि हमारे माशरे का अमन तबाह होने की वजूहात और उनकी बेहतरी कैसे मुमकिन। तो नाजरीन, आप इस टॉपिक से बाखूबी वाकिफ होंगे, बल्कि हर बंदा वाकिफ होगा कि आजकल जो माशरा है वो इंतहाई अजीब माशरा है। आजकल के जो माशरे में हमें ये इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे माशरे में पड़ी हुई कब्रों में जो मुर्दे हैं वो भी महफूज नहीं। तो इसका जो मेन और अहम जो एक फैक्टर जा रहा है हमारा, वो एजुकेशन सिस्टम। आज का जो तालीमी निज़ाम है वो हमें इस तरफ लेके जा रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो यंगस्टर हैं, हमारी जो नौजवान नस्ल है, वो तबाही की तरफ जा रही है। तो अगर हम अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर कर लें, हमारे तालीमी निज़ाम में बेहतरी आ जाए, तो हमारा माशरा जो है एक अमन पसंद और अच्छा माशरा बन सकता है। क्योंकि हमारी जो कौम है, हमारा जो मजहब है, वो मजहब इस्लाम है। और इस्लाम जो है एक बहुत ही खूबसूरत दीन है। हमें तो पैदा इसलिए किया गया था कि हम बुराई से रोकेंगे और नेकी की दावत देंगे, लेकिन आजकल का जो माशरा है वो इसके बिल्कुल एंटी हो चुका है। आज हम किसी को अमर बिल मारूफ का जो है वो दर्श देने की बजाय खुद जो है तबाही की तरफ जा रहे हैं। हमारी नौजवान नस्ल, हमारे बच्चे जो है वो मगरब की तालीम की तरफ जा रहे हैं। मगरब का जो तालीमी निज़ाम है वो हमारे यहाँ जो है सारा आ गया है। मगरब की जो तहजीब है वो हमने ओढ़ ली है। तो खुदारा इस बात को जरूर सोचें कि आप लोग जिस तरफ चल रहे हैं, क्या यही हमारा रास्ता है? अगर हमने अल्लाह ताला की तरफ लौट के जाना है, क्या हम इसी मुंह से अल्लाह ताला को जवाब देंगे? क्या हम इसी मुंह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब देंगे? हमारी कौम जो है वो इंतहाई पुरअमन और अच्छी कौम है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के नाते अपने गरेबान में जरूर झांकें और इस बात का अंदाजा लगाएं, बखूबी अंदाजा लगाएं कि आज जो हमारे माशरे में चल रहा है या हम जिसकी तरफ जा रहे हैं, क्या वो ठीक है? हमारे माशरे में जो भी बुराइयां हैं वो कोशिश करें अपने आप से शुरू करें, खुद से शुरू करें। जब आप खुद ठीक होंगे तो आपका माशरा जो है अमन और सलामती का गहवार बनेगा। शुक्रिया।